प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड का प्रसारण दिनांक 30 मई दिन रविवार को किया गया। देश की जनता के साथ भाजपा नेताओं को देश को ऊर्जा देने वाले मन की बात एपिसोड को देखा गया। साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जनता को मन की बात सुनाने का आदेश दिया। आदेश के अनुपालन में आगरा नगर निगम चुनाव में से समय निकाल कर बाढ़ सैदी से भाजपा पार्षद प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पिप्पल के चुनावी कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की उपयोगिता को समझा और साझा किया। मैं गजेंद्र सिंह पिप्पल, प्रत्याशी वार्ड 37 भारतीय जनता पार्टी महानगर आगरा। आज 100वां एडिशन मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, जो देश का गौरव है, उनको हम लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने विशेष जो मन की बात कार्यक्रम में हम लोगों से कही गई उसमें प्लास्टिक से दूर जितना हम होंगे उतना ही अपना पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो विकास का काम चल रहे हैं उन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया और खास करके उन्होंने रोजगार के मामले में अपना लोकल द वोकल का एक मैसेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप अपने स्वयं के रोजगार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और नौकरी देने वाले बने, नौकरी के पीछे भागने वाले ना बने। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है और देश के विकास के लिए सबके लिए जरूरी भी है। प्रचार हमारा जनसंपर्क डोर टू डोर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी बढ़त के साथ जीत होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वार्ड 37 से और हमारी बड़ी बहन मेयर प्रत्याशी जो हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी हैं, उनको भी बहुत बढ़त वार्ड 37 से मिलने जा रही है। प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। 100 में से 80 पार्षद हम लोग जीतने को तैयार हैं और किसी भी कीमत पर इस महानगर में विकास की जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना उनको रुकने नहीं दिया जाएगा और जो स्मार्ट सिटी की जितनी भी योजना उनको तुरंत लागू किया जाएगा और जो चल रही है उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम वरुण पारासर है, मैं मंडल का प्रभारी हूँ और महानगर का कार्य समिति सदस्य भी हूँ। मैंने आज मेरे वरिष्ठ नेता श्री अरुण पारासर जी के सानिध्य में प्रधानमंत्री जी का 100वां मन की बात का कार्यक्रम आज सुना। हम लोग श्री गजेंद्र पिप्पल जी जो वार्ड 37 के भाजपा प्रत्याशी हैं उनके कार्यालय में हमने इस कार्यक्रम को सुना, बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो उन्होंने आज बताया कि हमारे यहाँ प्लास्टिक खिलौना उद्योग जो कि पहले किसी टाइम में पिछड़ा हुआ था आज आगे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने चाइना के खिलौनों को फेल कर दिया है। प्लास्टिक उद्योग में हमारे यहाँ खिलौने इतने अच्छे चल रहे हैं कि उसका कोई अब जवाब नहीं है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से, प्रधानमंत्री जी की वजह से आज महिलाओं को भी आज सम्मान से देखा जाता है, सम्मान से महिलाओं को आगे रखा जाता है, उनको हर क्षेत्र में आरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है। रात को दिन में चाहे जब योगी मोदी की सरकार में महिलाएँ आराम से सड़कों पर चल सकती हैं। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी के मन के कार्यक्रम में सुनी। हम सब लोग बैठे, प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अरुण पारासर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पूरे संगठन द्वारा सभी वार्डों में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनने के लिए कार्यक्रम तय हुए थे, उसी में आज वार्ड 37 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी गजेंद्र पिप्पल जी के इस कार्यालय चुनाव कार्यालय में काफ़ी संख्या में लोग मन की बात के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री जी से जुड़े और प्रधानमंत्री जी की जो भी कार्यशैली है और जिस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता में और लोगों को संदेश दिया है, उस संदेश को लेकर कार्यकर्ता अपना जो नगर निगम का चुनाव है उस चुनाव में अपना मेयर प्रत्याशी जो हेमलता दिवाकर जी हैं और वार्ड 37 में जो गजेंद्र पिप्पल जी अपने भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे साफ सुथरी छवि के कार्यकर्ता हैं, अपने ये अपने चुनाव में लगे हुए हैं और काफ़ी लोग इनको समर्थन दे रहे हैं और क्षेत्र में और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनकर कार्यकर्ता में और काफ़ी जोश पैदा हुआ है और सब अपना कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ है।